Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Please, पहले तो आप लोग मेरी बहुत बुरी swelled हो रही हैं eyes और dark circles उसकी वजह से बहुत ज़्यादा prominent हो रहे हैं, उस चीज़ को ignore करें. दूसरा ये कि आज आपको पता है भाई कि हम recreate करने लगे हैं यमुना जैदी का look. ये वाला look हम recreate कर रहे हैं आज उनका, और मुझे वाला look यमुना जैदी का बहुत अच्छा लगा था क्योंकि तरीके से यमुना ने पूरे ड्रामे में सिंपल सटल ग्लॉसी इस टाइप का लुक किया हुआ है, मतलब बहुत ही नेचुरल ड्यूई लुक उन्होंने ड्रामे में किया हुआ है. लेट्स सी के क्या आता है रिजल्ट. आई एम नर्वस एज वेल कि मैं पूरा वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए आप लोगों ने यूज करना है थिक मॉइस्चराइजर. यमुना का मेकअप इस ड्रामे में बहुत ज्यादा ग्लॉसी हुआ हुआ है, ग्लोई सा हुआ हुआ है. तो हम प्रोडक्ट्स ध्यान से आप लोग देखिए कि मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ की ये वाली हाइड्रेटिंग स्टिक, तरह से है. अपनी स्किन को पूरा हाइड्रेट कर लूँगी. रब नहीं करना है, जस्ट डैप. मॉइस्चराइजर मैं लगा चुकी हूँ, अब मैं उसके ऊपर मैंने ये हाइड्रेटिंग एल्फ की स्टिक लगाई है. इस प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू यूज इज नॉर्मली आई यूज एल्फ का पट्टी प्राइमर, बट दिस टाइम पिंक वाला, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग एल्फ का ही ल्यूमिनस पट्टी प्राइमर. लूंगी आप लोग के पास ये वाला प्राइमर नहीं है देन गो फॉर एनी हाइड्रेटिंग प्राइमर, क्योंकि हमें अगेन वही चीज़ कि हमें ड्राई और मैट लुक नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ग्लॉसी सा लुक चाहिए. विल गो फॉर हाइड्रेटिंग प्राइमर ओनली. हम अपनी स्किन पे लगाएंगे, कलर करेक्ट करेंगे क्योंकि बिकॉज आई नीड थोड़ी सी कलर करेक्शन. सो उसके लिए मैं ले रही हूँ अपना डर्मा का कलर करेक्टर. इसे ये कुछ इस तरह से दिखता है, और इसके अलावा हम इसको अब ब्रश में लेंगे. अब मैं इसको लगाऊंगी अपनी स्किन पे जहाँ जहाँ मुझे नीड है. सकते हैं मैं अपने सारे स्पॉट्स को हाइड कर रही हूँ. तो मेरी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन जो है ना वो हो गई है सेटल डाउन, और अब मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन. बट बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन हमें फाउंडेशन को एक टेक्सचर देना है, एक फॉर्मूला उसको देना है कि वो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा थुकी भी ना लगे और ग्लोई भी लगे. यूज़ कर रही हूँ लॉरियल की इनफेलेबल फाउंडेशन, स्किन को बहुत सूट करती है. दूसरा ये कि ये मेरी स्किन का एग्जैक्ट शेड है, ड्राई आउट नहीं होती है स्किन के ऊपर, इसके अंदर हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है. दैट्स इट, ठीक है. एक पंप हमने इसका इसके ऊपर निकाल लिया, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ये मॉइस्चराइजर, इसको भी मैं अच्छा मॉइस्चराइजर हम थोड़ा सा ना इतनी ही क्वांटिटी का लूँ, थोड़ा सा कम लेना है हमें क्वांटिटी एज कम्पेयर टू फाउंडेशन. लेकिन अंदर ऐड करूंगी मिस रोज का लिक्विड हाइलाइटर. यू गाइस कैन यूज माई कोड ऑन दिस, कोड इज सवेरा3 missrose.com.pk से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं सवेरा3. और जो मॉइस्चराइजर मैंने आपको दिखाया है आप उस पर भी मेरा कोड यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर का. सवेरा10 कोड है मेरा, तो आप लोग यहाँ पे यू नो गाइस मैं लिख दूंगी तो आप लोग देख लेना जाकर. ये फाउंडेशन ली मैंने, और मुझे देखना कि मैं ज्यादा ना निकालती हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ ताकि आप लोग को भी दिखे. इतनी सी हमने जस्ट क्वांटिटी ऐड करनी है लॉरियल का ये वाला, और ये बहुत अच्छा इल्यूमिनेटर है. अगर आप लोग ये वाला यूज नहीं करते हैं गो एंड ग्रैब योर्स गाइस, बहुत अच्छा है. और ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेना है. That's it. चारों चीज़ों की क्वांटिटी जो मैंने ली है, और ये हमारी बेहतरीन फाउंडेशन लगेगी ये, जब मैं एक दफा लगा लूंगी ना आप लोग फिर देखना. जी इस पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन हाइलाइटर की कम लग रही है, तो मैं इसके अंदर
थोड़ा सा और मिस रोज का लिक्विड हाइलाइटर ऐड करूंगी, वन पम्प नहीं, बहुत ही थोड़ा बल्कि। और ये मिक्स हो गई है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँ। यूज करूंगी लॉरियल का ये वाला हाइलाइटर जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, और इसको मैं बहुत डिफरेंट तरीके से यूज करूंगी, अपने पूरे फेस पर नहीं करना है यूज। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको किस तरह यूज कर। हाइलाइटर ले लिया, अब करना ये है जो भी हमारे बोन वाले एरियाज है ना, लाइक चीक बोन पे हम अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। पॉइंट पर इस इल्यूमिनेटर को इस तरह कर करके अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। आप एक ग्लो मेरी स्किन के ऊपर देख रहे होंगे, अब सेम मैं इधर करूंगी इस पार्ट पे। नोज, अब मैंने ब्रश पे फाउंडेशन ले लिया और मैं अब उसको स्किन पे लगाऊंगी। मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अब इसको पूरा अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। मैं ब्लेंडिंग प्रोसेस ऑफ कैमरा करके आती हूँ, पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाकर आती हूँ। दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप लोगों ने डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है, ठीक? डैबिंग मोशन में यूज करना है, इस तरह ड्रैग नहीं करना है ब्यूटी ब्लेंडर को, वरना आपकी फाउंडेशन अच्छी सेट नहीं होगी। और अपनी फाउंडेशन को सेट करने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 minutes दिया करें, और तब तक अपनी स्किन को लाइक इस तरह 5 minutes तक आप सेट करें, अच्छे तरीके से सेट करें, और देखिएगा फाउंडेशन आपकी इतनी अच्छी बैठेगी। आईब्रोज बनाने के लिए मैं यूज करूंगी ग्लैम गर्ल्स की ये वाली पैलेट। ये वाला ब्रश था फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यूज किया है, एंगल ब्रश अपनी आईब्रोज को बनाने के लिए। पुली की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी। यूज कर रही हूँ अभी ब्यूटी फाइबर आमला का कंसीलर इन शेड फेयर, बस इतनी क्वांटिटी ही यूज करूंगी। अप्लाई करूंगी शी ग्लैम का ये वाला ब्लश ऑन और लव केक, ठीक है भाई। और हम क्रीम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें जो है ग्लॉसी थोड़ा सा इफेक्ट चाहिए। पाउडर्ड ब्लश ऑन यूज करते तो हमारी स्किन पे वो ग्लो नहीं आता जो आना चाहिए। ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी अच्छी तरह। अपने पूरे फेस को सेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर यूज नहीं करूंगी। यूज कर रही हूँ ब्यूटी फाइबर आमला का। एस्टी लंदन का 3D लैश बॉम मस्कारा, वॉन्ड बहुत अच्छी है। सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ग्लैम गर्ल्स का लॉकेट सेटिंग, यूज कर रही हूँ ग्लैम गर्ल्स की कलर लिप पैलेट व्हील। तो इससे ज्यादा रेड शेड मैं अप्लाई नहीं करूंगी, वो यूज करूंगी मैं रियल टेक्निक का, नहीं सॉरी टेक्निक का मेगा ग्लो हाइलाइटर। दैट्स इट। सो गाइस मेकअप हमारा डन हो चुका है, थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे मैं लगा लेती हूँ और मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने हेयर डू करूंगी और हेयर डू करके मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ।
सो या गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आप लोग मेरा लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया. अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा. दुआ मुझे याद रखिएगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.